एवीपी के चैप्टर्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शैशव अवस्था के गुण। सबसे पहले बाल अवस्था के पहला अवस्था है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था या शैशव काल, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या तो शैशव काल बोल सकते हैं या फिर शैशव अवस्था बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शैशव अवस्था के बारे में या शैशव काल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि शैशव अवस्था में बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहते हैं। तो इनका कहना है कि बालक जो है जो शैशव अवस्था में होता है, शैशव अवस्था 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को माना जाता है। तो 2 साल के बच्चे तक बच्चे का जो है वो पूर्ण रूप से उनका जो है मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, तो इस वजह से जो है वो अपने माता पिता पे निर्भर रहते हैं हर काम के लिए, खाने पीने से लेकर साफ सफाई तक का भी सारा जो है वो अपने माता पिता पर ही आश्रित रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट जो है इसका मतलब यही निकलता है। तो दूसरा पॉइंट है इस अवस्था में सीखने की क्षमता तीव्र होती है। तो इनका कहना है कि सीखने की क्षमता जो है 2 साल तक के बच्चे में बहुत ही तीव्र होती है। और तीसरा पॉइंट है इस अवस्था में संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होता है। संवेगात्मक विकास से मतलब है यहाँ पे जैसे किसी बच्चे में भय या खुशी या डर, ये सब जो चीज़ें हैं वो संवेग में आता है, संवेगात्मक विकास में आता है। तो बच्चे जो है वो जानते हैं कि 2 साल तक में उनका जो है हंसना रोना गुस्सा में किसी को डांट देना तो वो मुंह फुला लेना, इस तरह का सारी चीज़ें जो है वो 2 साल तक के अंदर ही वो सीख जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका संवेगात्मक विकास जो है इसी अवस्था के दौरान हो जाता है, यानी कि शैशवावस्था के दौरान जो है बालक में सीखने की क्षमता तो होती है, बाद में जो है संवेगात्मक विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। तो चलते हैं चौथा पॉइंट पे, इस अवस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। तो जानते ही हैं कि बच्चे जो हैं शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से कर जाते हैं, कि जन्म लेते हैं तो वो मुश्किल से 3 किलो या 3.5 किलो का होता है, लेकिन जैसे ही कुछ ही दिन बाद जो इनका वेट अचानक से वृद्धि हो जाती है और उनका जो है हाइट भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। वनस्पत और अवस्थाओं में जो है 1 इंच बढ़ने के लिए या फिर 2 इंच बढ़ने के लिए उनको काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस शैशव अवस्था में बच्चे 6 महीने में ही डबल और ट्रिपल भी हाइट में हो जाते हैं और वजन में भी हो जाते हैं। तो ये काफ़ी तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक विकास होता है बच्चों में, इस पॉइंट का यही कहना था। तो चलते हैं, इसमें एक ट्रिक है कि जिसमें तीव्र लगा हो, जिस अवस्था में तीव्र लगा हो वो अवस्था शैशव अवस्था कहलाएगा, ये ट्रिक है। अगर आपको ये चारों पॉइंट ये नहीं याद है तो आप इस ट्रिक से इस अवस्था से पूछे गए क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। जिस अवस्था में तीव्र लगा हो वो शैशव अवस्था कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाल्य अवस्था, देख सकते हैं यहाँ पे बाल्य अवस्था दिया हुआ है। बाल्य अवस्था जो होता है वो 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे को माना जाता है। तो बाल्य अवस्था जो होता है 2 साल, जैसे शैशव अवस्था 0 से 2 साल तक का होता है, यानी कि गर्भ में आने से लेकर के 2 साल तक के बच्चे को हम शैशव अवस्था में गिनती रखते हैं, यहाँ पे ये इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा चीज़ का मतलब ये होता है जो बाल अवस्था में है, देखते हैं यहाँ पे बाल अवस्था का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। बाल अवस्था जो होता है 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे को हम बाल अवस्था में रखते हैं। बाल अवस्था के कुछ गुण होते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो पहला गुण है इस अवस्था में नकल करने की प्रवृत्ति यानी दोहराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो जैसे देखते हैं 2 साल का बच्चा जो होता है वो बहुत ही जल्दी रिपीट करने लगता है शब्दों को, जैसे आप बोलेंगे पापा तो वो भी पापा 2-3 बार बोलेगा, जैसे बोलेगा पानी तो वो 2-3 बार ही वो रिपीट करता है, वो रिपीट करके वो सीखता है। कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी चीज़ जो है रिपीट करने से ही सीखा जाता है, उसको दोहरा दोहरा के हम सीखते हैं। तो बच्चों में जो है नकल करने की प्रवृत्ति और दोहराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, क्योंकि उनको चीज़ें नई नई सीखनी होती है और बहुत सारा चीज़ नया नया होता है दुनिया में, तो उनको बहुत अधिक जल्दी से जल्दी सीखनी होती है, तो वो जल्दी से नकल करके और दोहरा दोहरा के वो जल्दी से वो सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो ये इस पॉइंट का यही मतलब वो निकलता है यहाँ पे। और सेकेंड पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है, इस अवस्था में जिज्ञासा और समाजीकरण में बहुत वृद्धि होती है। जिज्ञासा, बच्चे में जानते ही जिज्ञासा कितना होता है, कोई भी नया चीज़ उनके लिए तो सारी चीज़ नया ही है दुनिया में,
तो वे क्या करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, इससे क्या होता है, ये क्यों यहाँ पे है, ये ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें जो जिज्ञासा के अंदर में आ जाता है, ये सारी चीज़ें इनमें पूछा जाता है। बच्चे पूछते हैं, बच्चों अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में जिज्ञासा बहुत अधिक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिकरण में भी वृद्धि होती है। सामाजिकरण में वृद्धि का मतलब ये है कि बच्चे समाज में अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने आसपास के बच्चों के साथ, अपने आसपास के बुजुर्गों के साथ काफ़ी घिल मिल के रहते हैं। तो ये क्या है, ये सामाजिकरण में वृद्धि हो। बाल्य अवस्था के तीसरे गुण हैं, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तर्क शक्ति इत्यादि के गुण का विकास होता है। बाल विकास का तीसरा अवस्था है, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तर्क शक्ति इत्यादि का गुण का विकास होता है। तो बिल्कुल सही कहा गया है इस पॉइंट में कि बच्चों में बौद्धिक, बौद्धिक मतलब बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का निर्माण जो है, बुद्धि का विकास जो है, 2 साल तक के बच्चों में उतनी नहीं होती है, लेकिन जब भी बाल अवस्था में आ जाता है, जैसे 2 साल से लेके 12 साल के बीच में जो है, बौद्धिक क्षमता जो है बच्चों की बढ़ जाती है, चीज़ों को समझने लगता है और बहुत सारे चीज़ों को देख के वो क्वेश्चन कर सकता है और बहुत सारे चीज़ों को देख के जवाब भी दे सकता है। इसका मतलब बच्चों में बौद्धिक विकास होने लगता है। और नैतिक विकास से मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चों में ये भी डेवलपमेंट हो जाता है कि कौन सी अच्छी है समाज में, आपको किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ आदर से बात करना चाहिए, छोटे से प्यार से बात करना चाहिए, ये सब सारे भाव जो हैं इसी बाल अवस्था में ही आने लगता है बच्चों में। और तीसरा सामाजिक, सामाजिक मतलब ये है कि समाज में किस तरह से रहना है, जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चे को जो है अपने से बड़े से कैसे बात करनी है, तो सामाजिक में ही ये आ जाता है। समाज में अपने अपने समाज में किस तरह से सम्मान बनाना है, तो वो इसी अवस्था में वो सीखने लगते हैं। तर्क शक्ति यानी कि ये कह रहा है कि आपको किसी चीज़ से आपको जो है आपको तर्क करना जो इसी अवस्था में आ जाता है। जैसे किसी को देख के, जैसे कोई कहेंगे पानी है, तो वो कहेगा कि ये पानी ही क्यों है, ये इसको पानी ही क्यों बोलते हैं, ये पानी से क्या होता है, ये तर्क करने की शक्ति जो है बाल अवस्था में काफ़ी तेज हो जाता है। और इसमें इस तरह का गुण जो है डेवलपमेंट इसी में होता है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तर्क शक्ति और इत्यादि का गुण का विकास होता है। चौथा पॉइंट है, इस अवस्था में पढ़ने में रुचि के साथ साथ स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। तो बाल अवस्था में पढ़ने की रुचि के साथ साथ जो है स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। इसी अवस्था में लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं, जैसे NCERT के अनुसार से 5 साल के बच्चे जो हैं, जो NCERT ये 5 साल के बच्चे जो हैं वो स्कूल में नाम लिखाते हैं। तो ये जानते ही, ये तो 2 से लेके 12 साल तक का है एज ग्रुप, ये बाल अवस्था, तो इसमें जानते ही कि इसमें एडमिशन वो बच्चे ले लेंगे, तो उसमें पढ़ना पड़ेगा, उनको स्मरण भी करना पड़ेगा। तो ये इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 6 साल का 2 से लेके 12 साल तक बच्चे जो हैं वो पढ़ने लगते हैं और याद भी करने लगते हैं। तो इनमें पढ़ने की रुचि के साथ साथ जो है स्मरण शक्ति का भी विकास हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस अवस्था में अनुशासन और नियमों के पालन करने का विकास उत्पन्न होता है। जानते ही बाल अवस्था का जितने भी एज ग्रुप हैं वो आज्ञाकारी होता है, उसको माता पिता के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, गुरु के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं, वो अनुशासित होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर एज ग्रुप। क्योंकि बाल अवस्था में जो है उतना दुनिया बच्चा देखा नहीं रहता है, उतना रिवेलियन नहीं होता है, वो अनुशासित होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये अनुशासित रहता है और नियमों का पालन में करने में के इच्छुक भी होते हैं वो। और छठा पॉइंट है, इस अवस्था में खोज दृष्टिकोण और घूमने का विकास लगभग उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए, घूमने फिरने का किसका मन नहीं करता, लेकिन ये जो है इच्छा शक्ति कब पैदा होता है, ये बाल अवस्था के दौरान ही पैदा होता है कि खोज दृष्टिकोण, किसी नए नई चीज़ को जो है एक्सपेंड करना है, इसको देखना, ये इसको इस किसी चीज़ के बारे में जो है डीप नॉलेज लेना, घूमना फिरना, ये सारा जो है बाल अवस्था के दौरान ही आ जाता है। 2 साल से 12 साल तक के बच्चे में ये अवस्था, ये तरह का जो है चीज़ें उत्पन्न होने लगता है। और इसका ट्रिक ये है कि जिस अवस्था में प्रवृत्ति लगा हो वो अवस्था बाल अवस्था कहलाता है। क्वेश्चन आएगा आपको समझ में नहीं आए कोई चीज़, तो इस ट्रिक से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जिस अवस्था में प्रवृत्ति लगा हो वो अवस्था बाल अवस्था कहलाएगा। चलिए बिना देरी किए चलते हैं तीसरे अवस्था पे।
तीसरा अवस्था है किशोरावस्था। जी हाँ, ये किशोरावस्था आता है शैशवावस्था के बाद और बाल्यावस्था के बाद, दोनों के बाद जो है ये तीसरा अवस्था आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के क्या गुण है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी इसी वीडियो में। तो जानते हैं किशोरावस्था के क्या क्या गुण है। पहला, किशोरावस्था के गुण है, इस अवस्था में शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, काफ़ी तेजी गति से होता है। किशोरावस्था में जो है शारीरिक संरचना संरचनात्मक जो है वो काफ़ी गति से होता है, जैसे अचानक हाइट में वृद्धि आ जाना, अचानक शरीर का मोटा हो जाना, ये सारा चीज़ें जो है किशोरावस्था में होता है। क्योंकि इससे पहले बच्चा जो है, सबसे पहले जान लीजिए कि शारीरिक जो है शारीरिक विकास कब 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 कितना तेज होता है। सबसे पहले शैशवावस्था में जो है काफ़ी तेज गति से होता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था में जो है शरीर उतना तेज नहीं बढ़ता है, जानते होंगे कि बाल्यावस्था में ज़्यादा बच्चे बढ़ता नहीं है, लेकिन उसका इंटरनल ऑर्गेन जो है शरीर के अंदर का जो ऑर्गेन होता है, जैसे हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, ये सब चीज़ें जो है इंटरनली जो है वो परिपक्व होता रहता है। वो उनका आकार और जो है जो भी इनका फंक्शनिंग जो है वो परफेक्ट होने परफेक्शन के कगार पे रहता है। तो वो अंदर परफेक्शन हो रहा होता है, वो अपना सुधार हो रहा होता है उसके लंग्स में, फेफड़े में, उनके हृदय में, इनके किडनी में। ये बच्चों में जो है किस बाल्यावस्था में अंदर का पार्ट पे ज़्यादा काम होता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में सारा पे काम हो गया होता है तो किशोरावस्था में जो है हाइट ही बढ़ना होता है और शरीर का मसल्स का बढ़ना होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी तेज होती है आपको किशोरावस्था में, और जबकि आंतरिक जो है विकास जो है आंतरिक मसल्स का, आंतरिक मांस का, जो हमारे हार्ट लीवर किडनी है, उस सब का काफ़ी तेज गति से होता है किसी अवस्था में, ये आता है आपको बाल्यावस्था में। तो ये चीज़ें डॉट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इस अवस्था का दूसरा नाम कहा गया है काल अवस्था, यानी तूफान काल। इस अवस्था को दूसरा नाम दिया गया है काल एज या फिर तूफान काल। जानते हैं इस अवस्था में जो बच्चे काफ़ी चंचल होते हैं, काफ़ी रिवेलियन होते हैं, और इसमें किसी की नहीं सुनते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हार्मोन का सेक्रेशन होता है और बच्चे जो है इसे काफ़ी परेशान रहते हैं, उनका जो है दिमाग डाइवर्ट रहता है, सेक्सुअल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये। तो जानते हैं इस तरह का जो एक्टिविटी जो है बच्चों से किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। और लड़कियों का किशोरावस्था का एज और लड़कों का किशोरावस्था का एज दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 12 से 14 साल जो है ये किशोरावस्था का समय है लड़कियों के लिए, ये लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ के लिए है ये 12 से 18, ये सॉरी ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए है 14 से 18। ये 14 तो लड़कियों का चलता है, 12 से लेके 14 लड़कियों का चलता है किशोरावस्था, लेकिन लड़कों का जो है 14 से स्टार्ट होकर 18 साल तक चलता है। तो इसलिए देखते हैं हमारे सोसाइटी में ये है कि लड़कों का शादी लेट से होता है, लड़कियों का पहले हो जाता है, क्योंकि पहले लड़कियां ये किशोरावस्था को गेन कर लेती है, और ये लड़के जो हैं किशोरावस्था को गेन करने में उनको टाइम लगता है, 14 के बाद ही लगता है। तो हार्मोन का सेक्रेशन जो है लड़कियों में 12 साल में ही होने लगता है, लेकिन लड़कों में 14 साल में होता है। तो इस तरह का देखते हैं, इस तरह से ये फंक्शनिंग करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालकों में अर्थात किशोरों में भार के साथ साथ मांसपेशियों में वृद्धि होने लगती है। जानते ही हैं शरीर फूल फाल जाता है इसी एज में, किशोरावस्था में ही। लड़कियों का भी जो है सारा प्रजनन अंग हुआ, लड़कों का भी जितने भी प्रजनन अंग है या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट अंग हैं, वो सारे अंग जो है किशोरावस्था में ही वो डेवलप होते हैं। तो ये जवानी वाला काल है, तो इसमें जवान बच्चे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जानते ही कि इस अवस्था में जो है दोस्त बनाने का जो है प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाता है, लोगों से, नए नए लोगों से मिलना और दोस्त बनाना, उनसे बातें करना, ये सब जो है इस अवस्था में काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि इसमें हार्मोन का सेक्रेशन होता है और उन्हें नए नए दोस्त बनाने की इच्छा होती है। अपोजिट भी और सेम जेंडर, अपोजिट जेंडर और सेम जेंडर दोनों तरफ से इनका मित्र बनाने की जो है अधिक प्रवृत्ति होने लगती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इस अवस्था में स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसा, इस अवस्था में स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ,
मैं भी कुछ हूँ जैसा वाला ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। तो इस तरह का ज्ञान जो है निगेटिव होता है, और ये सबसे डेंजरस स्टेज है। बच्चे अगर इस स्टेज में सुधर जाते हैं तो सुधर जाते हैं, नहीं तो बिगड़ जाते हैं तो बिगड़ ही जाते हैं, क्योंकि ये स्टेज सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, और सबसे पीड़ादायक भी होता है, क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स का जो है सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है बॉडी पे, और बहुत ज़्यादा बम्बारिंग होती है हॉर्मोन्स का। तो इस अवस्था में जो है बच्चे ज़्यादा ही डाइवर्ट होते हैं, तो इस अवस्था में बच्चों को ज़्यादा संभाल के रखना होता है। तो इस अवस्था के लिए ट्रिक यह है कि जिस अवस्था में काल लगा हो उसे किशोरावस्था कहते हैं। तो आपको अगर इन द पॉइंट अगर आपको याद नहीं रहता एग्ज़ाम में, तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, ताकि इस ट्रिक से आप प्रश्न को उत्तर कर सकते हैं। जिस अवस्था में काल लगा हो उसे किशोरावस्था कहते हैं, ये ट्रिक है। हर एक अवस्था का मैंने ट्रिक बताया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियोस को हमारे देख सकते हैं, और हर एक अवस्था का आप ट्रिक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अवस्था है प्रौढ़ावस्था, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अवस्था है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब होता है जो 65 साल से लेके ऊपर, 65 साल के ऊपर जितने भी प्रौढ़ावस्था होता है 18 साल से लेके ऊपर, और 18 साल से जितने भी बंदे हैं, वो जितने भी पुरुष हैं महिलाएं हैं, वो प्रौढ़ावस्था में कहलाएगी 18 से लेके ऊपर, जब तक कि वो जिंदा हैं। तो 18 से ऊपर जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं वो प्रौढ़ावस्था में चले जाएंगे। और प्रौढ़ावस्था के क्या गुण होते हैं मैं बताने वाला हूँ। पहला गुण है, इस अवस्था में शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। प्रौढ़ावस्था में जो है धीरे धीरे जो है शारीरिक विकास में कमी आने लगती है, वो रेट ऑफ ग्रोथ जो है बहुत कम होने लगता है। सेकंड है, इस अवस्था में बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन, चेहरे पर झुर्रियाँ होने लगता है। और जानते ही इस तरह का चीज़ जो है बाल अवस्था के में नहीं होता है, न ही किशोरावस्था में होता है, नहीं शैशवावस्था में होता है। बालों का सफ़ेद होना ये प्रौढ़ावस्था में स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ लगने लगती है, ये सब चीज़ें आम बात है, ये किसी बूढ़े आदमी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस अवस्था में धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में मन लगने लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रौढ़ावस्था के लिए। प्रौढ़ावस्था में जो बुजुर्ग लोग हमारे समाज के, वो धार्मिक स्वभाव के हो जाते हैं, उनको अध्यात्म में ज़्यादा मन लगने लगता है। तो चौथा पॉइंट पे चलते हैं, इस अवस्था में शारीरिक क्षमताएं कमज़ोर हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, शरीर अगर कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक विकास में कमी आती है, पुराने वाले सेल्स डैमेज होने लगते हैं और नए बनने में टाइम लगने लगता है, तो वो शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने लगती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे कि जितने भी चार अवस्थाएँ हैं, पहला है शैशवावस्था, सेकेंड है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। चारों के मैंने अवधारणा यहाँ पे बता रखे हैं, सारे के डिटेल्स मैंने बता दिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और चारों के मैंने ट्रिक बता दिए हैं। अगर आपको ट्रिक अगर छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको सबका ट्रिक जो है सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पॉइंट्स हमें याद नहीं होते हैं तो हमें ट्रिक पे सॉल्व करना होता है, तो हम बिना पॉइंट को याद किए हुए भी ट्रिक के थ्रू हम 100% सही बना सकते हैं। तो आपको अगर ट्रिक चाहिए सेपरेटली तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारा ट्रिक्स एक ही वीडियो में बना के दे दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तब तक कि ये सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये सीरीज चलेगी।